कि जब रेस्टोरेंट, जब यहाँ पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल, मॉल इत्यादि 50% की अनुमति के साथ खुल सकते हैं, तो कोचिंग संस्थानों को भी यह महामारी है की जाए। रेंट, हमारा रेंट गवर्नमेंट को व्यवस्था का कर दे, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी की व्यवस्था कर दे। 2 महीने लॉकडाउन लगाए, 3 महीने और आप देख रहे हैं रुड़की। अब दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी जबरदस्त है कि उसमें मौतों का आंकड़ा वाकई बढ़ गया है। लेकिन सवाल है रोटी का, आदमी रोटी कैसे खाएंगे, लोग रोटी कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या गवाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं जो कोचिंग सेंटर मालिक हैं उनके पास, उनकी क्या सरकार से रिक्वेस्ट है, वे क्या सहायता सरकार से चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, आइए जानेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जब रेस्टोरेंट, जब यहाँ पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल, मॉल इत्यादि 50% की अनुमति के साथ खुल सकते हैं, तो कोचिंग संस्थानों को भी यह छूट प्रदान की जाए, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बचती है कि जब यहाँ वैकेंसी निकली हुई हैं और एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम कम से कम बच्चों को पढ़ाएं और सरकार हमें यह अवसर दे। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि कम से कम 50% ना हो, 30% भी हम तब भी तैयार हैं। हमारे साथ जो रेंट है वो कहाँ से निकलेगा, ये चुनौती है। और जो परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, टीचरों के हों, स्टाफ के हों, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके जीवन के सामने बहुत बड़ा संकट है। सरकार कहती है जहान है तो इम्तिहान है, क्या कहें? अब सरकार तो कह रही है जान है इम्तिहान है, लेकिन जान तो अगर कुछ समय लॉकडाउन लग गए तो वैसे निकल जाएगी। और हमारा निवेदन है कि हम भी कोविड नियमों का पालन करना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे। कोचिंग में जो बच्चे आते हैं वो मैच्योर बच्चे हैं, उनकी तुलना छोटे बच्चों से नहीं हो सकती है। तो हमारा तो प्रयास सरकार से यही है कि सरकार इस चीज़ में हमें अनुमति प्रदान करे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मेरा भी एक मानना है कि देखो, जैसे जैसे यहाँ पर कुछ अलग अलग, जैसे जिम सेंटर्स हो गए हैं और जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल वगैरह हैं या जो भी हैं, देखो इसके साथ साथ कोचिंग सेंटर को भी अगर थोड़ी बहुत रियायत के साथ खोल दिया जाए, तो देखो हम भी चाहते हैं कि कोविड के जो गाइडलाइन हैं इनका भी हम पालन करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम पूरी भीड़ इकट्ठा करें, और वैसे भी कोचिंग सेंटरों में आजकल इतनी भीड़ें तो रही नहीं, बाकी स्थानों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुत सारे जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। क्या सुविधाएं आप रखेंगे अगर सरकार आपकी बात मान ले? देखो, जितने भी सरकार द्वारा जितने भी गाइडलाइन जारी की गई है, हम उनके थ्रू वो सभी पालन करेंगे। जैसे सैनिटाइजर वगैरह है, डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और यहाँ तक कि आप लोग सिनेमाघर खोले गए हैं, जिम्स खोली गई हैं, उनका जैसे हमें पालन करेंगे ऐसे ही आप करेंगे। देखो सर, एक क्लास में मान लेते हैं स्ट्रेंथ किसी की 50 बच्चे की, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें 50 की जगह हम 20 या 15 या 20 बिठाएं, ताकि दो बैच दो हो जाए। बिल्कुल, लेकिन 15 और 20 बिठाएं। जी सर, जी सर। सर आप क्या कहेंगे? जैसे पहले एक हफ्ते में बच्चे आते थे 6 दिन, हम 3 दिन बुलाने में भी सहमत हैं। गवर्नमेंट कह रही है 2 गज दूरी मास्क जरूरी, हम 6-6 गज 10-10 गज की दूरी पे बच्चे को बैठाने को तैयार हैं। ये मेरा कैंपस है 5,000 स्क्वायर फीट में, और अगर मैंने एक टाइम में 15 बच्चे ही बुलाया तो 20 गज की 10 गज की दूरी पे 15 बच्चा बैठ सकता है। जिम में जब एक टाइम पे 30 लोग जिम कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में 20-50 आदमी बैठ सकते हैं। अभी स्विमिंग पूल भी बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, लेकिन मैं आसफ नगर की झाल पे मेरा मकान है, वहाँ रजवाए में 100 आदमी 200 आदमी नहा रहे हैं, पुलिस की जीप भी जा रही है, देख भी रहे हैं लोग, कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, महामारी है, रेंट, हमारा रेंट गवर्नमेंट को व्यवस्था का कर दे, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी की व्यवस्था कर दे। 2 महीने लॉकडाउन लगाए, 3 महीने लगाए हमारे। सीधा सीधा सरकार से ये कहना है कि अगर हम बच्चे नहीं आएंगे तो हम इस जगह का रेंट कैसे देंगे, हम रेंटेबल जगह पे बच्चों को पढ़ाते हैं, और वाकई ज़्यादा रेंट है, कितना रेंट है? यहाँ का रेंट है 41,500। 41,500 रुपये कैसे दिए जाएंगे अगर बच्चे नहीं आएंगे तो, ये बड़ा सवाल है सर। आपको और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप बोलेंगे तो? सर एक बात बताइए, ठीक है, जैसे लॉकडाउन तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट जैसे ठेलियों वाले हैं जिनका रोज का खाना कमाना है, तो उन्हें क्या होता है, दिन में कमाना पड़ता है, ठीक है, और रात को उसी पैसे से वो क्या घर चलाते हैं, ठीक है, तो उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट डाल दीजिए और लॉकडाउन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों वाकई बहुत दयनीय स्थिति है, रुड़की में भी बहुत से केस मिल रहे हैं रोज। आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, और 2 गज दूरी का पालन करें, और सरकार के नियमों का भी पालन करें। लेकिन जो सरकार
हमारे माध्यम से सरकार को कोचिंग सेंटर वाली कहना चाहते हैं, वह उन पर भी सरकार ध्यान दे। नितिन कुमार रुड़की हब से।